बनी हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है। सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? चलिए एक बार फिर सुना देते हैं। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। जी हाँ, राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित बताया था, फिर जिस पर खूब बवाल भी मचा। योगी के इस बयान का सहारा लेकर दलितों ने तो हनुमान मंदिरों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया था, और अब जब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है तो सीएम साहब ने यूं टर्न मार लिया। जी हाँ, सीएम योगी ने बजरंग बली को दलित बताने वाली बात पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने बजरंग बली की जाति नहीं बताई। उन्होंने कहा कि देवत्व व्यक्ति के कृतित्व में समाहित होता है और किसी भी जाति का आदमी देवत्व को प्राप्त कर सकता है। सीएम योगी ने यह सफाई 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार के बाद दी है। हमने बजरंग बली की जाति नहीं बताई थी, हमने इस बात को कहा था कि देवत्व व्यक्ति के कृतित्व में समाहित होता है और देवत्व हर स्थान पर, हर जाति में और हर योनि में प्राप्त किया जा सकता है। बजरंग बली उसके उदाहरण है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। हालांकि इससे पहले भी सीएम योगी अपने इस बयान पर सफाई दे चुके हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनकी एक बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है, लोग उनके बयान से बाल की खाल निकाल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की।